हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका उत्तराखंड ऑनलाइन एजुकेशन हब में। तो गाइस, जैसे कि आपको पता है, उत्तराखंड समूह ग के जो 746 पद आए हुए हैं उसके लिए एमसीक्यू सीरीज चालू की थी, जिसके 29 पार्ट आ चुके हैं। अगर आप अभी तक आपने पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप गाइड प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से देख सकते हैं। और साथ ही में आपको हिंदी के लिए भी गाइड पूरे डिस्क्रिप्टिव वीडियोस दी जा रही हैं, वो भी आप चैनल में जाके देख सकते हैं। ठीक हो गया, तो करते हैं क्वेश्चंस को स्टार्ट। अगर अभी तक आपने गाइड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और अगर आपको गाइड व्हाट्सएप ग्रुप पर ऐड होना है तो व्हाट्सएप ग्रुप नंबर देते रहो मैं 8218642689। ठीक है, आप यहाँ मैसेज कर सकते हैं, कोई भी आपको नोट से रिलेटेड या कोई अदर इंक्वायरी लेनी है तो आप यहाँ कॉल मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। बॉयज़ एंड गर्ल्स के अलग अलग ग्रुप बने हुए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एशियाई खेल में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाला प्रथम उत्तराखंडी कौन है? जसपाल राणा, हरीश चंद्र रावत, पद्म बहादुर मल्ल या माया टमटा? तो गाइज, आपका आंसर क्या हो जाएगा? पद्म बहादुर मल्ल, ऑप्शन नंबर सी। ये एशियाई खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाले क्या थे? प्रथम खिलाड़ी थे। अब बात करें अगर पद्म बहादुर मल्ल की गाइज, तो इन्हें 1962 में अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया था। ठीक हो गया, कौन सा अवार्ड मिला था? अर्जुन अवार्ड मिला था। किस खेल से रिलेटेड है अगर ये पूछे तो याद रखिएगा, ये आते हैं आपके मुक्केबाजी से। किससे गाइज? मुक्केबाजी से। ठीक हो गया। और अगर बात करें, अब देखिए यहाँ पर क्या आया हुआ है, एशियाई खेल आया हुआ है। अगर एशियाई खेलों की बात करें तो एशियाई खेल 1951 से शुरू हुए थे और सर्वप्रथम कहाँ पर हुए थे? ये न्यू दिल्ली में हुए थे। तो क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, खेलों की शुरुआत, एशियाई खेलों की शुरुआत कहाँ से हुई थी, किस सन से हुई थी? 1951 से। पहले कहाँ पर हुए थे? न्यू दिल्ली में हुए थे। हर 4 साल के अंतराल में ये क्या किए जाते हैं? आयोजित किए जाते हैं। अगर लास्ट की बात करें गाइज, तो अभी 2018 में हुए थे और 2018 में ये हुए थे इंडोनेशिया के जकार्ता शहर में। कहाँ पे? इंडोनेशिया के जकार्ता शहर में आयोजित हुए थे। अब 18 के बाद इसमें 4 साल जोड़ोगे तो बात कब की आ जाएगी? 2022 की। तो 2022 में ये चाइना के हेंजुंग शहर में होंगे। ठीक हो, हेंगजू शहर में होंगे 2022 में, याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदौर में ऑल इंडिया सब जूनियर टूर्नामेंट में उत्तराखंड के किस खिलाड़ी ने दोहरा खिताब जीत 2 स्वर्ण पदक जीते? परिमार्जन नेगी, लक्ष्य सेन, लखपत सिंह रावत, इनमें से कोई नहीं। तो गाइज, आपका आंसर क्या हो जाएगा? लक्ष्य सेन जी, बैडमिंटन के प्लेयर हैं। इन्होंने ऑल इंडिया सब जूनियर टूर्नामेंट में, जो कि इंदौर में हुई थी, वहाँ पर क्या जीते? 2 स्वर्ण पदक जीते। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, अगर परिमार्जन सिंह नेगी जी की बात करें तो ये शतरंज से रिलेटेड है। ठीक है, परिमार्जन सिंह नेगी, 2005 में इन्हें ग्रैंड मास्टर का खिताब मिला था। ठीक है, सबसे कम उम्र में ये बने थे और इन्हें शतरंज का गुरु भी कहा जाता है। लखपत सिंह रावत जी की बात करें तो पिछली वीडियोज में भी बताया है मैंने आपको, ये शिकारी है। इन्होंने क्या किया है? 53 आदमखोर क्या बाघों को क्या किया है? मारा है या उनका शिकार किया है। अब अगर लक्ष्य सेन की बात करें तो ये अल्मोड़ा से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, राज्य के किन जिलों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम का निर्माण प्रस्तावित है? तो बात किसकी चल रही है, देखिए, किन जिलों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम? तो दो ही जगह अभी हैं, एक है आपका देहरादून और दूसरा आपका क्या हो गया? हल्द्वानी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा गाइज? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और पहला अगर पूछे तो पहले देहरादून में बना था, जो रायपुर में स्थित है। तो देखिए, अगर जाने इनके बारे में, राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम इज अ मल्टीपर्पज़ स्टेडियम इन द रायपुर एरिया देहरादून। इट इज़ द फर्स्ट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड स्टेडियम इन द स्टेट एंड वॉज कंस्ट्रक्टेड बाई सापूरजी पालूनजी इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन। इसके द्वारा इनका क्या किया गया था? सापूर जी के द्वारा, ये एक इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी है, वो इसके द्वारा बनाया गया था। अगर इसकी लागत की बात करें तो लागत कितनी आई थी गाइज इसमें? 237 करोड़ रुपए इसकी लागत थी। मई 2018 में
अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ACB ने यहाँ पर अफगानिस्तान और बांग्लादेश का क्या कराए थे, मैच करवाए थे जून 2018 में। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में प्रतिवर्ष मई में मधुगंगा घाटी महोत्सव का आयोजन होता है, तो आपसे पूछ रहा है जो ये मधुगंगा घाटी है, ठीक है, ये कहाँ पर पड़ती है, मधुगंगा घाटी महोत्सव ये कहाँ पर होता है गाइज, तो ये पौड़ी में होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब वो अगर मधुगंगा घाटी भी पूछे तो तब भी आप याद रखिएगा आपका आंसर क्या हो जाएगा, पौड़ी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, उत्तराखंड का एकमात्र मंदिर जिसके कपाट रक्षाबंधन के दिन खुलते और बंद होते हैं, तो ऐसा मंदिर जो केवल क्या होता है वर्ष में एक दिन जिसके कपाट खोले जाते हैं, तो वो मंदिर है गाइज वंशी नारायण जी का मंदिर। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछे वंशी नारायण मंदिर है कहाँ पर, किस जिले में है, तो याद रखिए ये पड़ता है आपके चमोली जिले में। कौन से जिले में पड़ेगा गाइज, चमोली जिले में। गाइज अगर वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाल कहा जाता है, तो ये गढ़वाल नहीं होगा गाइज, ये होगा गढ़पाल। ठीक हो गया, क्या होगा ये, गढ़पाल होगा। तो आपको बताना है गढ़पाल किसे कहा जाता है, अजय पाल को, कनक पाल को, सुदर्शन शाह को या फिर नरेंद्र शाह को। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, अजय पाल। अजय पाल को क्या बोला जाता है, गढ़पाल। क्यों, क्योंकि इन्होंने 52 गढ़ों को, जो उस समय क्या थे, जो गढ़वाल क्षेत्र था वो छोटे छोटे गढ़ों में बटा हुआ था। ठीक हो गया, उन छोटे गढ़ों को इन्होंने विजित किया और सबको जीतने के बाद एक परम क्या कर दिया था, गढ़वाल की इन्होंने स्थापना की थी। ठीक है, तब उस टाइम पे गढ़पाल बोला जाता था। तो अजय पाल आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यहीं से एक क्वेश्चन क्या बनता है गाइज, कि जो गढ़पाल है, ठीक है, गढ़पाल बोला जाता था, फिर इसे गढ़वाल नाम किसने दिया, तो गढ़वाल नाम इसे मौलाराम जी ने दिया। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ भी है आपके ग्रुप सी के एग्जाम में इधर। ठीक है, तो गढ़वाल नाम किसने दिया, मौलाराम ने। गढ़पाल किसे कहा जाता था, अजय पाल को, जब इन्होंने 52 गढ़ों को जीता था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाला पानी गढ़ किस जनपद में स्थित है, देहरादून में, रुद्रप्रयाग में, चमोली में या फिर उत्तरकाशी में। तो किसकी बात चल रही है, नाला पानी गढ़ की बात चल रही है, तो नाला पानी गढ़ आपका पड़ता है चमोली में। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, सॉरी चमोली में नहीं पड़ेगा, नाला पानी तो आपका देहरादून में पड़ता है ना। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देहरादून। आपने सुना होगा नाला पानी का युद्ध, बहुत पूछता है एग्जाम में नाला पानी का युद्ध कब हुआ था, तो याद रखिएगा ये 1914 में अंग्रेजों और गोरखाओं के मध्य हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, किस गढ़ को गढ़वाल का बारदोली कहा जाता है, गुजड़ूगढ़, सावलीगढ़, लोहड़गढ़ या कोटागढ़। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जो गढ़वाल का बारदोली कहा जाता है गाइज, वो आपका कौन से वाले गढ़ को कहा जाता है, गुजड़ूगढ़ को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने हेतु हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र का शिलान्यास कहाँ किया गया। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पर है, ये पूछे आपसे, तो आपका आंसर हो जाएगा देहरादून। कहाँ पर स्थित है, देहरादून में। ये किसके लिए बनाया गया था, सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, रांची झारखंड में संपन्न 34वें राष्ट्रीय कुल 13 पदकों के साथ राज्य का कौन सा स्थान रहा था। तो रांची में क्या हुए थे, 34वें राष्ट्रीय खेल हुए थे आपके, जिसमें उत्तराखंड को 13 पदक मिले थे, तो उसका स्थान कौन सा था ये आपको बताना है। तो याद रखिएगा अपने उत्तराखंड का स्थान था 19वां। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2013-14 के बजट अनुसार निम्न में से किसको सुख साधन कर से मुक्त किया गया है। तो आपको बताना है, जो 13-14 का बजट आया था उसमें हमने क्या किया था, उत्तराखंड गवर्नमेंट ने कौन सा इन चार ऑप्शनों में से कर मुक्त किया था, होली के रंग, स्पा, पर्यटन या फिर फल। तो गाइज आपका आंसर हो जाएगा स्पा। उत्तराखंड गवर्नमेंट ने स्पा को क्या किया था, कर मुक्त किया था।
स्पा होता क्या है ये आपके दिमाग में आ रहा होगा, ठीक है। तो स्पा क्या होता है गाइज, इसे क्या कहते हैं, ये होता है आपका बाथ एक टाइप का, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है, जो मिनरल्स होते हैं वाटर में मिनरल्स को डाला जाता है, ठीक है। मतलब एक टाइप का बाथ है, बाथ थेरेपी कहा जाता है इसे, बाथ थेरेपी। इसमें क्या होगा, बहुत से मिनरल से युक्त जल में क्या करवाया जाता है, बाथ करवाया जाता है, स्टीम करवाया जाता है बॉडी को। तो ये वही होती है आपका स्पा थेरेपी कहते हैं, ठीक हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी, इसको कर से क्या किया गया था, मुक्त किया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष कौन है, मदन कौशिक, किशोर उपाध्याय, प्रेमचंद अग्रवाल या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष हैं वो कौन है गाइज, अभी प्रेमचंद अग्रवाल। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अगर आपसे पूछे प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, तो पहले थे गाइज प्रकाश पंत। अब देखो, जब प्रकाश पंत बने थे ना, तब ये 9 नवंबर 2000 को हमारा राज्य बना था, उसके बाद प्रकाश पंत जी को बनाया था, ठीक है। उस समय चुनाव हुए नहीं थे, बट चुनाव होने के बाद क्या हुआ था, यशपाल आर्य जी बने थे। कौन बने थे, यशपाल आर्य जी बने थे। चुनाव से पहले प्रकाश पंत, उसके बाद 2002 में जब सरकार बनती है तो तब कौन आ जाएंगे आपके, यशपाल आर्य जी, ठीक हो गया। अगर अभी पूछे उपाध्यक्ष कौन है, ठीक है, अध्यक्ष है तो उपाध्यक्ष भी पूछ सकता है। तो विधानसभा के जो उपाध्यक्ष हैं गाइज, वो अभी कौन है, रघुनाथ सिंह चौहान। कौन है, रघुनाथ चौहान, ठीक है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जनपद में 2.40 मेगावाट क्षमता की पवन ऊर्जा आधारित उत्तराखंड राज्य की पहली विद्युत परियोजना शीघ्र प्रारंभ की जाएगी, हरिद्वार, देहरादून, टिहरी या फिर नैनीताल। तो जो 2.40 मेगावाट क्षमता की पवन ऊर्जा आधारित उत्तराखंड राज्य की पहली विद्युत परियोजना जो है गाइज, वो टिहरी में क्या की जा रही है, प्रारंभ की जाएगी। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। टिहरी की बात चल रही है तो टिहरी रियासत भारत में कब विलय हुआ था इसका, 1 अगस्त 1949 को, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मसूरी के विख्यात अंग्रेजी लेखक रस्किन बॉन्ड की किताब सुसेनाज ऑफ द सेवन हस्बैंड पर आधारित फिल्म है। तो अच्छी ये काफ़ी मूवी बनी थी इस पर, किस बुक पर बनी थी, सुसेनाज ऑफ द सेवन हस्बैंड, ठीक है, किसकी बुक है, रस्किन बॉन्ड की बुक है। तो ये गाइज सात खून माप जो मूवी थी, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में हुक्का क्लब किस जनपद में स्थित है। तो गाइज ये क्वेश्चन ऑफ द, ठीक है, ओके, 15th क्वेश्चन है, उत्तराखंड में हुक्का क्लब किस जनपद में स्थित है, बागेश्वर, अल्मोड़ा, चंपावत या फिर नैनीताल। तो हुक्का क्लब कहां पर स्थित है, सबको पता है गाइज, अल्मोड़ा में। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 1906 में चिरंजीवी लाल जी के प्रयासों से इसको क्या किया गया था, ओपन किया गया था। चिरंजीवी लाल जी का नाम याद रखिएगा, ठीक है, 1906 डेट याद रखिएगा, चिरंजीवी लाल जी का नेम याद रखिएगा। तो ये थे गाइज आज के 15 क्वेश्चन। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है गाइज, तो चैनल को प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिए। तो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है गाइज, सहकारी समितियों के सुदृढ़ीकरण के लिए किस कमेटी की सिफारिशों का लागू किया जाएगा। तो जो सहकारिता समिति है उनके सुदृढ़ीकरण के लिए जो कमेटी है वो बतानी है आपको, आर के बंसल कमेटी, वैद्यनाथ कमेटी नाड़ी, दामोदरन कमेटी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये गाइज आपको कमेंट बॉक्स में बताना है इसका आंसर। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स, हैव अ गुड डे।